Hello everyone. How are you all? I hope all are fine. So in this video, we learn question answer of chapter number seven in A. V. S. subject. The uh, chapter name is Safety Rules. Safety Rules. So let us start question answer. First question is: Name two pointed or sharp edge objects found at home. Should you play with them? Again.

Scissors and knife are the two sharp objects found at home. We should not play with them. Again, name two pointed or sharp or edge objects found at home. Should you play with them? Answer is Scissors and knife are the two sharp objects found at home. We should not play with them. Next question.

हर्ट आर हैंड क्या होता है विंडो फ्रेम हमें अपना हाथ विंडो फ्रेम के पास में नहीं रखना चाहिए क्यों बिकॉज क्योंकि द विडो फ्रेम विंडो में बैंक शर्ट ड्यू टू दिन द विंडो में बैंक शर्ट ड्यू टू दिन विंडो क्या होती है बैंक शर्ट नीचे गिर जाती है बंद हो जाती है किसकी वजह से विंड की वजह से ड्यू टू दिन एंड हर्ट अवर हैंड और हमें हमारे हाथ को हर्ट होता है लग सो सकती, लग सकती so, हमें हमारा हाथ विंडो फ्रेम के पास में नहीं रखना चाहिए सो अगेन वाई शुड वाई शुड यू नॉट कीप योर हैंड नियर द विंडो फ्रेम आपके आपको अपना हाथ विंडो फ्रेम के पास में क्यों नहीं रखना चाहिए सो आंसर इज क्वेश्चन में ही है विश आधा क्वेश्चन आधा आंसर जो यहाँ तक है बिकॉज तक वो क्वेश्चन में है पर आपको कैसे लिखना है देखो वी शुड नॉट कीप आवर हैंड क्लोज टू द विंडो फ्रेम बिकॉज द विंडो में बैंक शर्ट ड्यू टू द विंड एंड हर्ट आर हैंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

नॉइस कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर द नॉइज है वो ड्राइवर को डिस्टर्ब कर सकता है एंड मे कॉज एन एक्सीडेंट और इसकी वजह से क्या हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है सो हमें मूविंग बस में नॉइस नहीं करना चाहिए अगेन वाई शुड वी नॉट मेक नॉइस इन अंग बस आंसर इज वी शुड नॉट मेक नॉइस बिकॉज द नॉइस कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड These may cause an accident. Again, we should not make noise because the noise can disturb the driver, and these may cause an accident. Next question: What should you do before crossing the road on the zebra crossing? Again, what should you do before crossing the road on the zebra crossing? cross What should you do?

रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब यूज कर रहे हो आप तो आपको क्या वो करना चाहिए आंसर यूज़िंग द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑलवेज लुक टू योर राइट टू योर लेफ्ट एंड वंस अगेन राइट टू मेक श्योर डेट नो व्हीकल्स आर कमिंग टू क्लोज एंड धैन क्रॉस द रोड अगेन व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड ऑन द जेबरा क्रॉसिंग आपको क्या करना चाहिए व्हाट शुड यू डू आंसर इज वैन यूजिंग द्रॉसिंग जब आप जेबरा क्रॉसिंग यूज करते हैं ऑलवेज लुक टू योर राइट आपके हमेशा आपकी राइट right को देखना चाहिए टू योर लेफ्ट फिर लेफ्ट देखना है एंड वंस अगेन राइट और वंस अगेन राइट देखना चाहिए टू मेक श्योर टू मेक श्योर आपको श्योर राइट right नेक्स्ट टाइम राइट इसलिए देखना है कि कि आप हो जाओ that no vehicles are coming close, कि कोई आपके close नहीं आ रहा है 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 ऐसे आपको आपको होना है. And then, cross the road, और उसके बाद आपको road cross करना है. तो ये पूरा क्वेश्चन क्या आंसर क्या कह रहा है कि आप जब जेबरा क्रॉसिंग जेबरा क्रॉसिंग यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा राइट right देखना है उसके बाद लेफ्ट देखना है उसके बाद अगेन राइट right देखना है कि आप श्योर हो जाओ कि कोई व्हीकल आपके पास बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ रहा है और उसके बाद आपको रोड क्रॉस करना बिफोर क्रॉसिंग आंसर व्हेन यूजिंग क्रॉसिंग ऑलवेज लुक टू योर राइट टू योर लेफ्ट एंड वंस अगेन राइट टू मेक श्योर डेट नो व्हीकल्स आर कमिंग टू क्लोज एंड धैन क्रॉस द रोड सो आई होप सबको समझ में आ गया हम सबको राइट करके लर्न करना है सो बाय एवरी वन यर क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीटेड सो लर्न करना राइट करना है ओके बाय